इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सानी डागर और मैं आपका स्वागत करता हूँ वेट फैक्ट्स में। इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं जियो के नए डिवाइस जियो कनेक्टेड कार के बारे में, जिसको जियो वाईफाई रूटर भी कहा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले एक साल से जियो हमारे लिए काफी सारे बेहतरीन डिवाइसेस, बेहतरीन ऑफर्स लेके आता रहा है। तो इस लिस्ट में अब एक डिवाइस और ऐड होने वाला है, जिसका नाम है जियो कनेक्टेड कार और इसका दूसरा नाम है जियो वाईफाई रूटर, बिकॉज इसकी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है जो इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए जा रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक डिवाइस है, जिसको आप अपने कार के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके कार की सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर देगा। जी हाँ, इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो इस डिवाइस को आपको अपनी कार के साथ प्लग करना होगा, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जियो की। इस ऐप के थ्रू आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपके कार की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टायर प्रेशर हो या आपकी इस कार की जो मैक्सिमम स्पीड हो, आपकी कार किस लोकेशन पे है, आपकी कार के अंदर फ्यूल प्रेशर कितना है, इसके अंदर जो फ्यूल्स होते हैं, जो फ्लूड्स होते हैं, वो कहीं लीक तो नहीं हो रहे, या फिर उनका जो प्रेशर है वो अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपके स्मार्टफोन पे ट्रांसफ़र कर देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसा डिवाइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस बहुत सालों से आ रहे हैं जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है जियो का, तो इसमें सिर्फ इतना तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर आपको एक बेनिफिट और मिलने वाला है कि आप इसको एज ए वाईफाई रूटर यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आप जियो सिम डालिए और फिर ये आपके लिए एज ए हॉटस्पॉट वर्क करना शुरू कर देगा। जी हाँ, आपकी चलती फिरती कार एक चलता फिरता हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो आप इससे अपने मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, टैबलेट्स कनेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जियो जब भी अपना नया डिवाइस, अपने नए प्लान्स मार्केट में लॉन्च करता है, तो इनिशियली वो काफ़ी टाइम के लिए उसको फ्री रखता है, सो दैट यूज़र उसको आए, यूज़ करे, उसका बेनिफिट उठाए और उनको पसंद आए, तभी वो उसके लिए पैसे पे करें। तो इसके साथ भी ऐसा होने वाला, ये एक्सपेक्टेड है कि ये डिवाइस भी कुछ टाइम के लिए इसके साथ इंटरनेट फ्री आ सकता है। तो आप जब इस डिवाइस को परचेज करोगे तो इसकी 3-4 महीने में इसकी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे इजीली। दोस्तों, इस डिवाइस का जो प्राइस है वो अराउंड 2000 से 2500 के बीच होने वाला है। अभी कंपनी ने इसकी ऑफिशियल प्राइस जो है वो रिवील नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्टेड कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिवाइस के साथ इंटरनेट फ्री मिल गया तो ऑब्वियसली आप 3-4 महीने के अंदर ही इस डिवाइस की जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर लेंगे। इसके अलावा इस डिवाइस के और बेनिफिट्स आपको बता दूं कि आप अपनी कार को ट्रैक भी कर सकते हो। जी हाँ, इस डिवाइस की हेल्प से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी कार की लोकेशन सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई आपने जो बाउंडेड एरिया एक पहले से डिसाइड किया हुआ है कि भाई आपकी कार इस एरिया से बाहर नहीं जाएगी, और अगर आपकी कार उस एरिया को क्रॉस करती है तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी जो कार है वो स्पेसिफाइड एरिया से बाहर निकल गई। जी हाँ, ये मोस्टली उन केसेस में फ़ायदा देगा जब आपकी कार कोई ड्राइवर ड्राइव करता है या फिर कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर मांग के लेके जाता है। तो उस केस में ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला आपको कि आप ट्रैक कर सकते हो कि भाई अगर आपने, आपके फ्रेंड ने बोला है कि भाई मुझे दिल्ली से मेरठ तक जाना है, तो वो कहीं इधर उधर लेके तो नहीं घूम रहा, या फिर अगर आपका ड्राइवर, आपने बोला है कि भाई, आपने फ़ोन किया है कि आपका ड्राइवर घर से कार लेके यहाँ पे आ जाए, तो बीच में कहीं और लेके तो नहीं घूम रहा है। तो आप ये भी ट्रैक कर सकते हो इस डिवाइस की हेल्प से। इसके अलावा आप इस डिवाइस में ये सेट कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम जो स्पीड है आपकी कार की वो कितनी जाए। अगर आपने सेट कर दिया मान लो 70 किलोमीटर्स पर आ, अगर 70 से ऊपर आपकी स्पीड जैसे ही पहुंचती है तो आपको वो बीप करना शुरू कर देगा, आपको एक इंडिकेटर देगा, सो दैट आप ये जज कर सको कि भाई अब आपको स्पीड कम रखनी है या फिर आप उसी स्पीड पे कंटिन्यू करना चाहते हो।
तो ये सब तो देख लिए आपने इसके डायरेक्ट फायदे, अब मैं आपको बताता हूँ इसके इनडायरेक्ट फायदे। तो ये सारे जो भी इंडिकेटर्स हैं कि भाई आपकी स्पीड कम है ज़्यादा है, आप कैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो ये सारी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसकी हेल्प से आप अपनी ड्राइविंग को एनालाइज कर सकते हो और आप अपने कार की फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने सेट कर लिया कि 70 से ऊपर नहीं जाऊंगा, अगर आपका मन भी हुआ 70 से ऊपर जाने का तो वो आपको बीप करके आपको वार्न करेगा, आप ऑटोमेटिकली डाउन कर दोगे 70 से। तो जब आपकी स्पीड एक नॉर्मल लिमिट में रहेगी तो ऑब्वियसली जो आपका फ्यूल है वो कम कंज्यूम होगा। तो दोस्तों ये आपकी हेल्प करने वाला है आपके फ्यूल कंजम्पशन को भी कंट्रोल करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि जियो इस डिवाइस को मार्केट में कब तक लॉन्च करता है और इस डिवाइस से हमें फायदे तो बहुत ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेगमेंट में इतना ही, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस कनेक्टेड कार डिवाइस का जो फीचर्स है वो आपको कितने पसंद आए हैं। इसके अलावा जो इसका यूनिक फीचर है कि आप इस डिवाइस को एज ए वाईफाई रूटर भी यूज कर सकते हो, ये आपको कितना पसंद आया ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लाइक आपके कमेंट आपके सब्सक्राइब मुझे एनकरेज करते हैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।